दोस्तों पुश पुल लेग हम टीनेजर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है। और दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप सभी को पता है कि पुश पुल लेग कितना ज्यादा ही बेनिफिशियल है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप पुश पुल लेग को घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो? सो मेरे भाई हाँ, आप घर पे भी एक पुश पुल लेग रूटीन को आप जो फॉलो कर सकते हो। और आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू डू पुश पुल लेग वर्कआउट एट होम। और दोस्तों ये एक पार्ट वन है और आज हम लोग करने वाले एक फुल पुश वर्कआउट। दोस्तों इस वर्कआउट के लिए आपको ज्यादा इक्विपमेंट की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपके पास अगर एक पेयर अगर डंबल है सो आप इसे जो परफॉर्म कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास अगर डंबल भी नहीं है तो यार आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक पेयर डंबल तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। और दोस्तों ये बिल्कुल ही सस्ता आता है। और दोस्तों अगर आपको अगर डंबल अगर खरीदना ही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा, आप वहां से उस डंबल को जो चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे होम पुश वर्कआउट को। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पुश वर्कआउट पे हम लोग ट्रेन करते हैं अपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को। और दोस्तों हमेशा अपने पुश डे को चेस्ट वर्कआउट से स्टार्ट किया करो, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर मसल हमारे चेस्ट जो है ज्यादा बड़े होते हैं। दोस्तों हम लोग चेस्ट के लिए हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग डेफिसिट पुशअप। दोस्तों आपको डेफिसिट पुशअप कुछ आपको इस तरह से लगाना है, आपको दोस्तों दो डंबल आपको ले लेना है और दोस्तों आपको जो डेफिसिट पुशअप आपको लगाना है। दोस्तों ध्यान रखो कि जब भी आप नीचे जाओ तो आपको दोस्तों पूरा अपने चेस्ट को जो है स्ट्रेच करना है, यानी कि पूरी तरह से आपको दोस्तों खींचना है। और जैसे ही आप ऊपर आओ तो अपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करो, यानी कि स्क्वीज करो अपने चेस्ट को। दोस्तों हर रेप को इसी तरह से परफॉर्म करो कि ताकि आपकी जो है दोस्तों चेस्ट अच्छे से डेवलप्ड हो सके। अब दोस्तों ये मत सोचना कि भाई मुझे रेपिटेशन कितना लगाना है, क्योंकि दोस्तों होम वर्कआउट में आपसे दोस्तों जितना भी रेपिटेशन लग सके आपको दोस्तों उतना रेपिटेशन आपको लगाना है, यानी कि आपको फेलियर तक आपको जाना है। और दोस्तों जैसे ही आपका ये सेट आपका कंप्लीट होता है, यानी कि आपने अपना डेफिसिट पुशअप आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको रेस्ट नहीं लेना है, आपको दोस्तों इंस्टेंटली आपको डंबल्स आपको उठाने और दोस्तों आपको लगाना है डंबल फ्लाई। दोस्तों इस होम वर्कआउट रूटीन में हम लोग अपने सारे वर्कआउट को हम लोग सुपर सेट में हम लोग हिट कर रहे हैं। अब हम लोग होम वर्कआउट में हम लोग सारे मसल को हम लोग सुपर सेट में हम लोग क्यों हिट कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो दोस्तों आपको डेफिसिट पुशअप करने के तुरंत बाद ही आपको जो है डंबल फ्लाई आपको करने लग जाना है। अब दोस्तों ध्यान ये रखना कि आप जब भी आप जो फ्लोर पे आप जो डंबल फ्लाई करो तो अपने चेस्ट को दोस्तों ज्यादा नीचे ले जाने की जगह ज्यादा वाइड ले जाने की कोशिश करना, जिससे कि आपकी चेस्ट जो है अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगी। और ऊपर आकर के अपने चेस्ट को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना और स्क्वीज करना। सो दोस्तों यहां पे हमारा कंप्लीट हो जाता है हमारा चेस्ट वर्कआउट। आपको करना है 3 से 4 सेट और रिपीटेशन आपको दोस्तों फेलियर तक आपको ले जाना है। सो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारे शोल्डर मसल की तरफ। सबसे पहला जो एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो है हमारा लैटरल रेजेस। दोस्तों लैटरल रेजेस आपके साइड डेल्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आपकी दोस्तों शोल्डर जो है ब्रॉड दिखती है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको परफॉर्म करना है लैटरल रेजेस कुछ इस तरह से। दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आपको दोस्तों ज्यादा आपको वेव नहीं करना है, आपको बिल्कुल ही एक अच्छे पोस्चर में आपको जो लैटरल रेजेस आपको जो परफॉर्म करना है। क्योंकि दोस्तों मैं काफी सारे लोग को देखता हूँ, वो लोग जो बहुत ज्यादा स्विंग कर करके लैटरल रेजेस करते हैं, तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, आपको बिल्कुल ही एक अच्छे फॉर्म में आपको जो लैटरल रेजेस आपको परफॉर्म करना है। रेपिटेशन वही होगा कि आपको फेलियर तक आपको जाना, आपसे जितना हो सके आपको उतना आपको परफॉर्म करना है। अब दोस्तों बिना रेस्ट लिए हुए आपको परफॉर्म करना है शोल्डर का सुपर सेट, जो कि होने वाला है हमारा फ्रंट रेजेस। दोस्तों सेम इसमें भी आपको दोस्तों ज्यादा आपको स्विंग नहीं करना है। मैं काफी सारे लोग को देखता हूँ, वो लोग जो शोल्डर के वर्कआउट में वो लोग जो ज्यादा वो लोग जो स्विंग करने लग जाते हैं, तो आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपको दोस्तों बिल्कुल ही आपको स्टिक रहना है एक जगह पे और आपको सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है अपने शोल्डर पे। आप दोस्तों थोड़ा लाइट वेट ही आप जो डंबल लो, लेकिन एक अच्छे फॉर्म के साथ जो है परफॉर्म करो। तो दोस्तों आपको शोल्डर के लिए आपको सबसे पहले करना है आपको लैटरल रेजेस, उसके बाद फिर आपको सुपर सेट में आपको करना है फ्रंट रेजेस। दोस्तों आपको दोनों का आपको रेपिटेशन जो फेलियर तक आपको लेके जाना है और सेट आपको 3 या फिर 4 आपको करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अपने ट्राइसेप्स के लिए हम लोग जो सबसे पहला जो वर्कआउट करने वाले हैं वो होने वाला है वन हैंड डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। आपको दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एक डंबल आपको ले लेना है और आपको कहीं पे भी बैठ जाना है और आपको कुछ इस तरह से इसे जो परफॉर्म करना है। दोस्तों ऊपर आकर के अपने हैंड को पूरी तरह से स्ट्रेच करो कि ताकि आपकी जो दोस्तों ट्राइसेप जो है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सके। और दोस्तों नीचे अपने हाथ को पूरी ले जाओ कि ताकि दोस्तों आपकी जो ट्राइसेप पूरी तरह से स्ट्रेच हो सके। तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये मत सोचना कि आपको जल्दी जल्दी आपको रेपिटेशन निकालना है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों आपको जो है पूरी अच्छे तरीके से इसे जो परफॉर्म करना है। और सुपर सेट में जाने से पहले आपको दोस्तों इसे
दूसरे हाथ से भी परफॉर्म करना है। दोस्तों जैसे ही आपका दोनों हाथ से कंप्लीट हो जाता है आपको दोस्तों इंस्टेंटली आपको जो है डंबल किक बैक आपको लगाना है। दोस्तों डंबल किक बैक भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप्स के लिए। आपको कुछ इस तरह से आपको दोस्तों इसे परफॉर्म करना है, आपको थोड़ा सा आगे की ओर आपको झुक जाना है और दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इसे परफॉर्म करना है डंबल के साथ। दोस्तों आप चाहो तो इसे एक हाथ से भी परफॉर्म कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप इसे दोनों हाथ से भी जो परफॉर्म कर सकते हो। और दोस्तों सेम ये दोनों में आपको दोस्तों फेलियर तक आपको जाना है और आपको जो सेट आपको 3 से 4 आपको करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दोस्तों ये था हमारा फुल होम पुश वर्कआउट रूटीन। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आखिरकार क्यों हम लोग ये सारे एक्सरसाइजेस को हम लोग सुपर सेट में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। दोस्तों क्योंकि हमारे पास घर पे ज्यादा इक्विपमेंट नहीं होता है, ज्यादा वेट नहीं होता है, तो हम लोग अपने मसल को दोस्तों फटीक तक हम लोग नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सुपर सेट अगर परफॉर्म करते हो तो आपकी मसल बहुत ही अच्छे से जो है ब्रेक डाउन हो जाती है। सो गाइस अगर आपको अभी भी अगर नहीं समझ आया कि भाई सुपर सेट होता क्या है, इसे मैं किस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ, तो दोस्तों आप जो सिंपली आप मेरी ये वाली वीडियो को दोस्तों आप जो क्लिक करके देख सकते हो, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बता रखा है। और अगर आपको अगर मेरी अगर लेटेस्ट वीडियो देखना है तो दोस्तों आप इस वाली वीडियो को दोस्तों आप जो क्लिक करके देख सकते हो। सो ऑल गाइस ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो ऑल गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल।